नमस्कार, आज मैं ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे फ्राई करने के लिए तेल का नहीं कुछ और ही यूज करेंगे। ये हेल्दी भी होंगे और खाने में उतने ही स्वादिष्ट भी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम 2 कटोरी आटा लेंगे और इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन हाथों से क्रश करके डाल देंगे, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच घी या ऑयल डाल सकते हैं और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। अब इसे ढककर रख देंगे। अब इसकी फिलिंग बना लेंगे। इसके लिए हम लेंगे 2 प्याज, 2 हरी मिर्च, 1 अचार का मिर्च और थोड़े से लहसुन और 1/2 नींबू। इनको हम महीन महीन काट लेंगे और एक मिक्सिंग बाउल में नींबू को छोड़कर सभी चीजें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच कलौंजी, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सरसों का तेल। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे स्वाद बढ़ जाता है। और 1/2 नींबू निचोड़ लेंगे इसमें और हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक मिक्सिंग जार लेंगे और इसमें थोड़े से भुने हुए चने लेंगे। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम भुने हुए चने लिए हैं और इसके थोड़े से छिलके निकाल दिए हैं और अब हम इसे मिक्सिंग जार में डालकर पीस लेंगे। ये बहुत आसानी से पीस जाता है। और अब एक छन्नी से छान लेंगे। जो हमने मसाले तैयार किए थे उसी बाउल में हम छान लेंगे और इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग तैयार हो गया है और अब हम इसे एक किनारे रखते हैं और ये जो डो है इसको थोड़ा सा मसल लेंगे हाथों से और एक छोटी लोई बना लेंगे। इस तरह से लोई बना बना कर रखते जाएंगे और बीच से ऐसे दबाते हुए कटोरी नुमा बना लेंगे और इसमें ये स्टफिंग भरते जाएंगे और चारों तरफ से दबा दबा कर इसे बंद कर लेंगे और हाथों से गोल कर लेंगे। इस तरह से हम सभी बना लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब एक भगोना लेंगे, इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी। पानी को उबलने रख देंगे। जब पानी में उबाल आ जाए तो बाटी इसमें डाल दें। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखें। बीच बीच में इसे हिलाती रहें। इसका रंग बदलना शुरू हो गया है। 8 से 10 मिनट में यह बॉयल हो जाता है। अब इसे एक जालीनुमा प्लेट में निकाल लें, जिससे ये आसानी से ठंडा हो जाए। ये रेसिपी तैयार है खाने के लिए। आप चाहें तो इसे 1 चम्मच तेल में भूनकर भी खा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अपम मेकर लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालकर दोनों तरफ से भून लेंगे। आप चाहें तो कढ़ाई में भी तेल डालकर भून सकते हैं। अपम मेकर में आसानी से ये भून जाता है और ये रेसिपी तैयार है। आप दोनों तरह से बना सकते हैं। आपको यह वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।